स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से एक नई वीडियो पे। अगर आप बेहतर प्रिंटर का तलाश कर रहे हैं, चाहे कलर के लिए कर रहे हैं, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, या 2-in-1 कर रहे हैं, तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर 2-in-1, जहाँ की आपका ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दो प्रिंट कर सकता है। ये इसका मॉडल है HP और इसका मॉडल स्मार्ट टैंक 581। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करेगा और कलर भी प्रिंट करेगा, स्कैन भी करेगा, जेरोक्स भी करेगा। काफी इसका बजट फ्रेंडली प्राइस है। चलिए इसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं और क्या क्या इसके अंदर मिलता है सारा कुछ बताते हैं। चलिए इसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं। सील ओपन कर दी है। इसे हम लोग ओपन करने के बाद हमें मिलता है कुछ इस तरह इंटरफेस, और इसके बाद हम लोग ये एक कवर है, कवर के अंदर हमें मिलता है टैंक, यानी कि इसमें मिलेगा हम लोग का 4 कलर। कलर के इसका हम लोग देखेंगे अंदर कौन कौन से कलर है। एक ब्लैक कलर होता है, ब्लू कलर होता है, येलो कलर होता है, और भी काफी कलर है। इसके अंदर कितने कलर बॉक्स मिला सारा कुछ देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रैप लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग इसे अनबॉक्स नहीं किए, फर्स्ट अनबॉक्स हो रहा है। फिलहाल हम लोग जो फॉर्म मिला इसे साइड करते हैं। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डेस्क में इस तरह रखना पड़ेगा। आप जब भी इसे अनबॉक्स कीजिएगा कुछ इसी तरह करेगा। आप देख सकते हैं कैरी बैग दिया हुआ, इसे तिलना है, देख सकते हैं कैरी बैग की तरह यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है। इसे लोग धीरे धीरे निकालेंगे। हम लोग धीरे धीरे बॉक्स को हटा दिए। बॉक्स को देख सकते हैं खाली हो चुका है। दोनों की तरफ से हम लोग फॉर्म निकालते हैं। ये फॉर्म इधर से निकला हुआ है, ये फॉर्म इधर से निकल चुका है। इसे हम लोग कर देते हैं नीचे। हम लोग इसके अंदर ये जो रैप है, रैप से हम लोग सबसे पहले इसे रिमूव करेंगे कुछ इस तरह, और आपका प्रिंटर कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हम लोग बहुत ही प्यार से इसे रिमूव कर रहे हैं, हम लोग रिमूव कर दिए। और इसमें हम लोग मिलता है यूजर मैनुअल, आप इसे रीड कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज इस प्रिंटर को देख सकते हैं। HP स्मार्ट टैंक, इसमें सारा जो मॉडल है 580 से लेके 590 सीरीज का सारा कुछ इसका यूजर मैनुअल है। इसे हम लोग साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रिंटर। प्रिंटर में आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सील किया हुआ। इसे हम लोग यहाँ पर इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह। इसे हम लोग यहाँ से ओपन कर दिए, एक यहाँ से भी इसे हम लोग ओपन कर दिए। देख सकते हैं अंदर से ये सब भी निकलता है। और आपको दिखाते हैं इसका स्कैनर प्लस जेरोक्स। ये आप देख सकते हैं जो इसका स्कैनिंग मशीन है, यहाँ पे आप जेरोक्स भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट रख कर करके। यहाँ पे आपको मिलेगा बटन सिस्टम, इसमें मिलेगा आपको वाईफाई, और इसमें कलर प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं, अगर पेपर फंस गया तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसे अनबॉक्स कर दिए, आपको एक चीज दिखाना था, इसका पावर केबल रहता है इधर, देख सकते हैं इधर पावर केबल है, इधर इसका USB केबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोग इसे अनबॉक्स किए लेकिन हमें इसका पावर केबल ही नहीं मिला, ना ही USB केबल मिला। हमें लगा कि ये अभी नया नया प्रिंटर लॉन्च हुआ है, ये वायरलेस है। तो चलिए इसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ से दिया हुआ है, इसे हम लोग अनबॉक्स करते हैं। इसका अंदर हमें मिला है 3 ब्लैक कलर, एक ब्लू कलर, एक पिंक कलर, एक येलो कलर। देख सकते हैं पावर केबल इसके अंदर नुका कर रखा था, और हमें लगा था कि ये वायरलेस प्रिंटर है, इसमें पावर केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं ये है आपको USB केबल, जो कि आपका प्रिंटर से लेके आपका लैपटॉप में कनेक्ट होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और एसेसरीज हमें मिल रहा है। देख सकते हैं ये आपका HP की तरफ से एसेसरीज मिला बॉक्स, इसका हम लोग अनबॉक्स करेंगे इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें मिलता है 2 ये पैकेट। प्रिंटर के अंदर हम लोग कलर कहाँ रिफिल करेंगे, तो देख सकते हैं प्रिंटर पूरा एकदम यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं भी आपको ओपन करने की जगह नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से आप प्रेम से इसे कीजिएगा धीरे धीरे ओपन, तो आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना कलर फिल कर सकते हैं। ये आपका कलर रहेगा, कलर जो जो आपका कलर रहेगा, जैसे येलो येलो कलर में फिलअप कीजिएगा, पिंक पिंक में फिलअप कीजिएगा, ब्लू ब्लू में फिलअप कीजिएगा, और ब्लैक ब्लैक में फिलअप कीजिएगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम हम लोग ओपन किया और हमें मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स। इसे भी हम लोग यहाँ पर टेप से रिमूव करना होगा, और ये हमारा ये निकल चुका, क्योंकि यहीं से पेपर निकलेगा प्रिंट होकर करके। चलिए इसे हम लोग साइड करते देख सकते हैं पूरा डस्टलेस है, कहीं भी डस्ट नहीं है, ये है HP की तरफ से है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर रिफिल करते हैं। रिफिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग पैकेट को खोलते हैं, चारों पैकेट को खोल करके सब फिलअप करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं इसको हम लोग ब्लैक कलर फिलअप करते हैं। ब्लैक कलर की हम लोग बॉक्स ले लिए, और इसे देख सकते हैं यहाँ पर जो टैंक दिया हुआ है, हम लोग ब्लैक ओपन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सील है, इसे ओपन करने का ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर जो यहाँ पर होल दिया हुआ इस पर लगाना है कुछ इस तरह, और यहाँ से पुश करना है, पुश करना। देख सकते हैं यहाँ कलर धीरे धीरे फिलअप हो रहा है, अगर कैमरा में देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम पुश कर रहे हैं यहाँ पर फिलअप हो रहा है, पुश कर रहे हैं फिलअप हो रहा है। इसी तरह आपको चारों कलर फिलअप करना होगा, देख सकते हैं फुल हो गया, उससे ज्यादा आपको नहीं भरना है, इसे सिंपल से निकाल देना है। इसके अंदर कलर बचा हुआ, जब ये आपका बॉक्स खाली हो जाएगा तब आपको इसे फिर से यूज कर सकते हैं।
तो चलिए इसे हम लोग साइड करते हैं, बाकी सभी कलर फिलअप कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग चारों टैंक को फिलअप कर दिए और इसे हम लोग करते हैं यहाँ से क्लोज। एक सवाल है, इसके अंदर कैसेट नहीं दिया हुआ है, ड्राइवर नहीं दिया हुआ है, हम लोग पीसी में इंस्टॉल कैसे करेंगे? सबसे पहली प्रश्न ये आ जा रहा है। मोबाइल से हम लोग इसे प्रिंट कैसे करेंगे? आपको इसके अंदर मिलेगा एक यूजर मैनुअल, जो कि आपको ये रहेगा, ठीक है। इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा इससे हम लोग किस तरह वर्क करेंगे, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बारकोड, इस बारकोड को स्कैन कर करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना मोबाइल के लिए या पीसी के लिए डाउनलोड करना, पीसी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों डाउनलोड करने के बाद ही आप कंप्यूटर से या मोबाइल से आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैसेट नहीं दिया हुआ। वो भी प्रिंटर के साथ एक कैसेट देता था ड्राइवर, जो कि आप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो उसके अंदर डाल कर करके उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये वाले एचपी प्रिंटर में वो कैसेट अवेलेबल था, लेकिन इस एचपी प्रिंटर में अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ सारा कुछ ऑनलाइन दे दिया है, इसमें वाईफाई के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे पीसी से करें चाहे मोबाइल से करें। उसके लिए आपको ये बारकोड स्कैन करना होगा, इसके अंदर ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं? आपको मोबाइल से एक बारकोड स्कैनर ऐप है उसको ओपन करना होगा। जैसे ही मैंने ये एक ऐप ओपन कर लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ बारकोड है, और हम लोग सिंपल सा ये स्कैनर को यहाँ पे स्कैन करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, और देख सकते हैं यहाँ एचपी का स्मार्ट प्रिंटर का इंस्टॉल का ऑप्शन दे दिया, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे आप पीसी से करें चाहे आप मोबाइल से करें। देख सकते हैं अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंटर का नाम सर्च करना है, तो प्रिंटर का नाम हम लोग सर्च कर रहे हैं एचपी, हाँ एचपी स्मार्ट टैंक, स्मार्ट टैंक 581 आ गया, ऑल इन वन आ चुका। देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर का प्रिंटर भी आइकॉन शो करने लगा। चलिए अब इसे हम लोग धीरे धीरे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पर, और फिर इंस्टॉल प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसका क्वालिटी किस तरह रहता है, किस तरह हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग किस तरह इसे यूज करेंगे लैपटॉप के साथ, और किस तरह इसे प्रिंट कर सकते हैं, फोटो प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कर सकते हैं, कलर जेरोक्स कर सकते हैं, या फोटो प्रिंट कर सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।